वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये मेरा एक बर्थडे ब्लॉग है। सो मेरी बर्थडे 6 दिसंबर को था। सो यहाँ पे हम जा रहे हैं टिकरपड़ा क्रोकोडाइल सेंचुरी, विच इज़ नोन फॉर इट्स अमेजिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। सो यहाँ पे ऑल्सो टाइगर्स, लियोपर्ड्स, स्पॉटेड डियर, एलिफेंट्स, टॉर्टोइल्स एक्सेट्रा होते हैं, पर जो टाइगर्स, लियोपर्ड, ये सब आप दिन के टाइम पर नहीं देख सकते। ये अनगुल से करीब 60 to 61 किलोमीटर डिस्टेंस पे है एंड 2 घंटा लगता है यहाँ पे पहुँचने के लिए। हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ लेफ्ट साइड में एक मैप भी दिया गया है, तो जो एक्चुअली ये जो सातोकोसिया डिवीज़न है उसका एक मैप है। एंड उसके बाद आपको यहाँ से एक परमिट लेके जाना पड़ेगा अंदर के लिए, और यहाँ पे वो पर हेड कुछ चार्जेस लेते हैं, लाइक 40 रुपीज़ पर हेड एंड व्हीकल के लिए 5 रुपीज़। अगर आपके पास कैमरा है तो आपको एक्स्ट्रा 50 रुपीज़ देना पड़ेगा। एंड यहाँ पे एंटायर रूल एंड रेगुलेशन बताया गया है। आपको सनसेट के अंदर ही आपको वहाँ से निकलना पड़ेगा, आप अंदर नहीं रह सकते सनसेट के बाद। आज एक्चुअली यहाँ पे इतने लोग नहीं हैं क्योंकि आगे न्यू ईयर आ रहा है, तब ज़्यादा भीड़ होगी यहाँ पे। सो हम पहुँच गए यहाँ पे, और यहाँ से आगे व्हीकल को अलाउ नहीं है, तो आप यहाँ पे अपना गाड़ी पार्क करके आपको यहाँ से थोड़ी देर चल के जाना पड़ेगा। एंड वन वे ही रोड है, डायरेक्ट आपको जाना पड़ेगा। तो वो कुणाल भैया जो थे वो नहीं आए हमारे साथ, क्योंकि वहाँ पर कोई और कार नहीं था, सिर्फ हमारा ही कार था। तो वो बोले मैं यहाँ पर रहता हूँ और तुम लोग जाओ। तो ये इतना मिसमराइजिंग व्यू था जब मैं यहाँ पे पहुँची, लेकिन आपको खुद ही दिख रहा होगा पीछे का वो नज़ारा, वाव। उसके बाद हम थोड़ा आगे अभी चल के जा रहे हैं घड़ियाल देखने के लिए। सो यहाँ पे जो प्रभात जा रहे हैं उनके सामने जो गेट है उसके ऊपर आप देख सकते हैं दो क्रोकोडाइल बना हुआ है, और ये जो साइड में जो थोड़ा ऐसे हाइट पर दिया गया है वहाँ पर आप खड़े होके अलग सारा जो नज़ारा है वो देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक सिग्नेचर करना पड़ेगा आपका नाम एंड कहाँ से आए हैं, और वहाँ पे शायद वो 20 रुपीज़ वो लड़का लिया। उसके बाद आप ऊपर जा रहे हैं हम अभी, एंड यहाँ का व्यू इतना अमेजिंग। आजकल की जो भीड़ भाड़ की ज़िंदगी में कहाँ ऐसे नज़ारा देखने को मिलता है। उसके बाद हम यहाँ से निकल के जाएंगे आगे जहाँ पे घड़ियाल रिसर्च सेंटर है, एंड वहाँ पे बोटिंग की फैसिलिटी है। तो चलो चलते हैं वहाँ पे। बस अभी यहाँ से सामने की तरफ चल के जाना है। ये रहा एंटायर लेफ्ट एंड राइट का व्यू, इतना ग्रीनरी यहाँ पे है और इतना सुंदर लग रहा है यहाँ का माहौल, एनवायरनमेंट, लाइक क्या बोलूँ। यहाँ से मतलब वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा था, इतना सुंदर यहाँ का नज़ारा है। जहाँ देखो हरियाली, एंड यहाँ पे भी ऐसे लाइक बच्चों को खेलने के लिए भी बहुत सारा चीज़ दिया गया है दोनों साइड में। अभी हम जब जा रहे हैं तो तब कोई नहीं था, तो उस वजह से यहाँ पर कोई नहीं खेल रहा। अभी जब हम लोग आ रहे थे तब थे, बहुत सारे बच्चे थे, फैमिलीज़ वहाँ पे आए हुए थे, तो उस वक्त का मैं वीडियो नहीं ले पाई। तो उस वक्त वो लोग सब खेल रहे थे यहाँ पे। यहाँ पे अगर बच्चे आए हैं तो बच्चों की तो मज़ा ही मज़ा है यहाँ पे, पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ये ऐसे दिखता है पर थोड़ा हाइट में है। और हम जब अभी जा रहे हैं तो कोई नहीं है, पर जब आ रहे थे तब इतने बच्चे थे, उनके फैमिली उन्हें संभाल नहीं पा रही थी। एंड ये हम पहुँच गए घड़ियाल रिसर्च सेंटर, एंड यहाँ पे अंदर जो एक अंकल यहाँ पे खड़े हैं तो वो हमें आगे लेके जाते हैं, एंड वहाँ पे बोलते हैं कि एक लेफ्ट साइड में लाइक केज जैसा है तो वहाँ पे जाके पहले देख के आओ बोले। तो हम लोग, हमें तो नहीं पता था, लाइक मैं तो पीछे थी, मुझे नहीं पता वहाँ पे क्या वो बोले। तो जब हम गए तब इतना एक फ़नी किस्सा यहाँ पे, ये प्रभात जब देखे तो यहाँ पे प्लास्टिक के सारे जो क्रोकोडाइल थे वो पड़े हुए थे वैसे ही। तो ये बोले मैं क्या ये देखने आया हूँ यहाँ पे, तो थोड़ा उस तरह से। तो अब ये देखिए कैसे ये आ करके ऐसे मुंह खुला, ठीक है। तो एक्चुअली में ये रियल वाले क्रोकोडाइल हैं, ये कोई भी लाइक प्लास्टिक के नहीं है, पर इतना अच्छा ये लोग एक्टिंग करते हैं, वाओ। आपको खुद पता नहीं चलेगा क्योंकि हम दोनों कंफ्यूज हो गए यार ये रियल है या नहीं। तो बीच में एक ऐसे थोड़ा चला, ऐसे ऐसे मूवमेंट किया तो पता चला नहीं ये रियल है, ठीक है। ये इतने आलसी है यार, इन्हें देख के मुझे मेरे भाई का याद आ रहा है यार, वो इतने आलसी, वो भी इस तरह से आलसी है, पड़ा रहता है जब देखो।
और इनके केज के बाहर एक पिंक कलर का सोल्यूशन होगा जो KMNO4 का है। तो इन्हें जो खाना देने के लिए जाते हैं वो उसके ऊपर पैर रख के जाते हैं ताकि उन्हें इन्फेक्शन ना हो। एंड ये रहा नेक्स्ट, जहाँ पे कि ये फ़िश है और मुझे फ़िश का नाम सच में नहीं आता, ये टॉर्टोइस हैं। तो अभी हम जाएंगे जब आगे, तो अभी अभी जो हम लोगों ने क्रोकोडाइल देखा वो बेबी क्रोकोडाइल्स थे। अभी हम जाएंगे तो इतना बड़ा वाला है, आपको दिख रहा है ना पानी के अंदर। इन सब के केस के बाहर इन सब का नाम भी होता है, जहाँ से कि आपको डिटेल मिल सकता है। उसके बाद वहाँ पे एक मतलब बोर्ड लगा होता है बड़ा वाला, तो जिसमें एंटायर डिटेल्स उनके बारे में लिखा होता है कि वो मतलब उनका नाम क्या है एंड ऑल जो भी होता है डिस्क्रिप्शन सब कुछ यहाँ पे है। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं एंड डिटेल्स ले सकते हैं। सो नेक्स्ट में है वो जिससे हम देखने आए हैं, जिसके बारे में बाहर लिखा है, वो है घड़ियाल। तो यहाँ पे घड़ियाल के बारे में लिखा है, यानी उसका कार्टून देख के आपको कुछ याद आ रहा है? एक कार्टून। तो इनका मुंह बहुत ज़्यादा शार्प होता है, लाइक मुझे भी नहीं पता था, ये सब यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला। एक्चुअली बच्चों को इससे जगह पे लेने चाहिए, क्योंकि वो लोग जो बुक में पढ़ रहे हैं रियल में यहाँ पे देख सकते हैं एंड हमारे जो विजुअलाइजेशन मेमोरी होता है ना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू हम जो पढ़ के याद रखते हैं, ठीक है। तो थोड़ा बच्चों को इस तरह की जगह पे आप लेके जाइए तो किताबी कीड़े से अच्छा है कि वो प्रैक्टिकली चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पे आओगे और बोटिंग नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा। सो यहाँ पे जो बोटिंग का जो पैकेज है 1600 का है 8 सीटर्स। तो हम सिर्फ 2 जन थे तो हम थोड़ा वेट किए, तो वो अंकल इन जो टूरिस्ट लोगों के साथ हमारा बातचीत करवाया तो हम एक ही बोट में चले गए एक साथ। तो 1600 हम लोग यहाँ पे 5 जन थे। सो यहाँ पे देखिए प्रभात उन लोगों के साथ घुल मिल गए हैं, यहाँ पे बातचीत हो रही है। एंड आगे जाके वो जो लेडी थी वो भी पूछ रही थी कि लाइक हमारा जो ये सिटी का जो एनवायरमेंट कैसे है और एंड ऑल। एंड टू बी ऑनेस्ट, हमसे ज़्यादा जो इस नेचर का व्यू का जो मज़ा ले रहे थे वो इस टूरिस्ट थे, क्योंकि शायद उनके यहाँ इस तरह का जो मिसमराइजिंग व्यू है शायद नहीं है। तो मतलब हम अगर अकेले बोटिंग करते ना इतना मज़ा नहीं आता जितना इन लोगों के साथ आया, क्योंकि ये लोग इतने अच्छे से नेचर को डिस्क्राइब कर रहे थे, इतने सारे वर्ड्स वहाँ पे थे, पंछी जो है बहुत ही वैरायटी के थे। एंड मुझे पर्सनली ज़्यादा नाम नहीं पता, जितना मैं बुक में पढ़ी थी शायद वो सारे के सारे पंछी जो है यहाँ पे मिलेंगे। एंड वो जो मैम थी उन्हें सारा का सारा नाम पता है, कौन सा किंगफिशर है, कौन सा हमिंग बार्ड है एंड ऑल। वो हमें मतलब वहाँ पे जब वो लोग डिस्कस कर रहे थे तो बस प्रभातन मैं बस ऐसे मुँह ही देखते रहते थे, यार सीरियसली मुझे तो नहीं पता। प्रभात का कुछ बातचीत हो रहा है एंड ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो वाइट वाइट कलर का ये जो इसे एक्चुअली में थर्मोकोल है शायद, तो इसके नीचे एक्चुअली नेट लगाया गया है जिसके हेल्प से बोला फिश पकड़ते हैं यहाँ से। एंड ऑपोजिट साइड में एक उडन वाला बोट में एक लाइक कोई फिशरमैन है जो वहाँ पे ये सब ऐसे बिछा बिछा के जा रहे हैं आगे की तरफ। और यहाँ पे प्रभात कुछ टॉर्टोइस एंड ऑल दिखा रहे हैं साइड में एंड क्रोकोडाइल्स भी हैं। हम लोग क्रोकोडाइल्स के बीच में ही हम ये बोटिंग कर रहे हैं और ये जहाँ पे हम बोटिंग कर रहे हैं इससे सातों कोसिया गर्ज कहते हैं, तो आप इसके बारे में गूगल में भी देख सकते हैं। तो हमारा 45 मिनट ख़त्म हुआ हमारा, अब हम चलते हैं एंड थोड़ा ऊपर से अभी व्यू देख लेते हैं आफ्टरनून के टाइम। अभी लगभग 2 बज चुके हैं एंड यहाँ पे थोड़ा जो वो विलेजर्स थे वो लोग कुछ मतलब शायद किसी का कोई शादी एंड ऑल था तो वो अपना ट्रेडिशन यहाँ पे कर रहे थे। और ये हम आ चुके हैं गाड़ी के पास, अब भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे और यहाँ पे सिर्फ एक ही खाना खाने के लिए कुछ है, इसे क्या बोलूँ, होटल तो नहीं है कुछ भी। तो यहाँ पे आप पहले से आपको बोल के जाना पड़ेगा, आप यहाँ पे बोल के जाएंगे और आके फिर खाना खाएंगे। तो हम लोग अभी जा रहे हैं
होटल में खाएंगे, खाने के बाद रूम में जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद हमारा मूवी टाइम। हम जा रहे हैं दृश्यम 2 देखने के लिए। मूवी ख़त्म एंड मूवी बहुत ही अच्छा हुआ है, मुझे बहुत पसंद आया। आज मेरी बर्थडे है एंड मैं गई भगवान जी के दर्शन करने के लिए। उसके बाद मुझे नहीं पता था, घर में एक छोटा सा पार्टी प्लान किया गया था। वहाँ पे मेरे सारे देवर जी एंड जेठ जी एंड यहाँ पे मेरे नेबर्स भी थे, तो हम लोग ने यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा एक सेलिब्रेशन घर में किया। तो ये रहा मेरे बर्थडे आउटफिट। डिनर टाइम, तो हम चले। फनी टैब बंद कर दियो, ठीक है? टैब देन वाटर टैब ओपन हो गया।